Good morning, students. Today we will learn geography of class 7, chapter 9, and the topic is life in the temperate grasslands. So, students, in this chapter we are going to learn two types of temperate grasslands. First, the Paradise grasslands, and second, the wet grasslands. So, students, in Paradise grasslands we will learn Paradise climate, Paradise flora and fauna, and people. Next, the wet grasslands. In wet grasslands, we will learn wet climate, flora and fauna, and people. Now, we will read the chapter. Life in the temperate grasslands. Just as a forest can be defined as the place where trees are the main type of vegetations. Forest को define किया गया है ऐसे place में जहाँ पे trees क्या है main type of vegetations है. Grasslands can be defined as a region where grasses form the dominant type of plant life. Grasslands को define किया गया है ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे grasses क्या बनाती है एक प्रमुख तरह की plant life बनाती है. Grasslands make up almost a quarter of the total land surface. Grassland means जो घास का मैदान है वहाँ पे जो land है land के जो surface है उसका लगभग एक चौथाई quarter मतलब होता है एक चौथाई हिस्सा वहाँ पे बनाया जाता है. The type of plants that grow here greatly depend on what the climate and soil are like. कि जो टाइप ऑफ प्लांट्स है जो ग्रो होते हैं यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि क्लाइमेट मीन्स जलवायु सॉइल मिट्टी क्या होती है. एज क्लाइमेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड्स. क्लाइमेट प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल किस चीज के लिए ग्रासलैंड्स को बनाने के लिए. इट इज जनरली यूज्ड एज अ बेसिस टू डिवाइड द वर्ल्ड्स ग्रासलैंड्स इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. जो वर्ल्ड्स ग्रासलैंड है उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. दोज दैट अकर इन द टेम्परेट रीजन्स एंड दोज दैट अकर इन द ट्रॉपिकल रीजन्स. जो क्या है ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं और कुछ क्या होते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में. मतलब कुछ टेम्परेट रीजन में होते हैं और कुछ क्या होते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में. ओके. द पैररीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड द ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट. ठीक है, जो पैररीज है वो बाउंड है किसके द्वारा रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड द ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट. You can see that the prairies cover part of United States of America and part of Canada. हम देख सकते हैं जो prairies है वो cover करता है United States of America को और part of Canada को. In the USA, the area is drained. USA में क्या है जो वहाँ का area है वो drained है सूखा हुआ है किसके द्वारा tributaries of Mississippi के द्वारा. And the Canadian prairies है वो drained है किसके द्वारा tributaries of Saskatchewan rivers के द्वारा. Being located in the heart of continent, the climate is of continental type with extreme temperature. ठीक है, अब क्या है हम पेरिस का क्लाइमेट पढ़ेंगे तो जो पेरिस का क्लाइमेट है वो क्या है काफी एक्सट्रीम टेम्परेचर है. वहाँ पे समर्स आर वार्म, वहाँ की जो समर्स है काफी वार्म है और वहाँ का टेम्परेचर कितना है 20 degree Celsius. वाइल इन विंटर, विंटर में वहाँ पे -20 degree Celsius होता है जिसको रिकॉर्ड किया गया है विनीपेग कनाडा में. In winters, a thick blanket of snow cover these regions. Winters में क्या है यहाँ पे thick blanket of snow है जो cover करती है यहाँ के क्षेत्र को. The annual rainfall is moderate. जो वहाँ की साल भर में जो बारिश होती है वो काफ़ी moderate होती है, मध्यम होती है. And is ideal for the growth of grass. पर यह क्या है ideal है किस चीज़ के लिए grass की growth के लिए. Due to the absence of north-south barrier, a local wind chinooks blows here. और यहाँ पे कौन सी winds blow करती है chinook winds यहाँ पे क्या है blow करती है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोरा एंड फौना. अब हम पैररीज के फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ की वनस्पति वहाँ के एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. पैररीज आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस. पैररीज क्या है प्रैक्टिकली ट्रीलेस है मतलब वहाँ पे ट्री नहीं होते हैं. वेयर वाटर इज अवेलेबल, वहाँ पे वाटर अवेलेबल होते हैं. ट्रीज होते हैं विलोज एल्डर्स एंड पॉपुलर्स. Places that receive rainfall of over 50 cm. और वहाँ की जो place है वहाँ पे rainfall होती है कितनी 50 cm जो suitable होती है farming के लिए और वहाँ की जो soil होती है काफ़ी fertile होती है. Throw the major crop of this area. ओके, जो major crop है यहाँ की area का वो है maize और इसमें other crops include है potato, soybean, cotton और alfalfa जो यहाँ पे grow होते हैं.
एरियाज पे रेनफॉल इज वेरी लिटिल, और जो वहाँ की एरिया है वहाँ पे रेनफॉल काफी लिटिल होती है और अनरिलायबल होती है, मीन्स जिसमें विश्वास नहीं किया जाता। ग्रासेस आर शॉर्ट एंड स्पर्स, जो वहाँ की ग्रासेस होती है काफी शॉर्ट होती है, काफी घनी होती है। दिस एरियाज आर सुटेबल फॉर कैटल रेयरिंग, और जो यहाँ का एरियाज है वो सुटेबल है किस चीज के लिए, कैटल रेयरिंग के लिए, मतलब कैटल को पालने के लिए। लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड रेंचेस, और जो वहाँ के बड़े बड़े कैटल फार्म्स हैं उनको रेंचेस कहा जाता है, जिनको कौन देखते हैं, स्टडी मैन, स्टडी मतलब स्ट्रॉन्ग मैन, और जिन्हें क्या कहा गया है, काउ। बाइसन्स और द अमेरिकन बेफेलो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन, ठीक है। बाइसन और जो अमेरिकन बेफेलो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल्स है यहाँ के रीजन का। इट नियरली गॉट एक्सटेंड ड्यू टू इट्स इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, ठीक है। यहाँ के जितने भी एनिमल्स थे वो क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए थे, किस वजह से, इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग के वजह से। एंड इज नाउ प्रोटेक्टेड स्पाइसेस, अब इनको क्या है, एक प्रोटेक्ट जो यहाँ की स्पाइसेस है, यहाँ की जो जाति है एनिमल्स की, उनको प्रोटेक्ट किया करके रखा हुआ है। द अदर एनिमल्स फाउंड इन दिस रीजन आर रैबिट, क्वाइटर्स, गॉफर्स एंड पैररी डॉग। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल, द पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग, जो यहाँ के पीपल होते हैं इस क्षेत्र के वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं। दे हैव सक्सेसफुली हार्नेस टेक्नोलॉजी, उनके पास क्या है, इस्तेमाल करने वाली टेक्नोलॉजी होती है जिसका वो उपयोग करते हैं रिच नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। टू ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, USA एंड कैनेडा, जो यहाँ पे लोकेटेड है इस रीजन्स में। साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन, यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक मेथड यूज़ किया गया है खेती करने के लिए, ट्रैक्टर्स का यूज़ किया गया है, हार्वेस्टर्स का, एंड कंबाइन हैज़ मेड नॉर्थ अमेरिका अ सरप्लस फूड प्रोड्यूसर्स, और यहाँ पे क्या है, अतिरिक्त खाद्य उत्पादक होता है। द पैररीज आर ऑल्सो नोन एज द ग्रैनीज ऑफ द वर्ल्ड, पैररीज को ग्रैनीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है, ड्यू टू द ह्यूज सरप्लस ऑफ व्हीट प्रोडक्शन, किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीट प्रोडक्शन होता है इस वजह से। डेयरी फार्मिंग इज अनदर मेजर इंडस्ट्री, डेयरी फार्मिंग क्या है, एक दूसरे टाइप की इंडस्ट्रीज है। द डेयरी बेल्ट्स एक्सटेंड, जो डेयरी बेल्ट्स है वो फैली हुई है कहाँ से, फ्रॉम द ग्रेट लेक से टू द अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट में। डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, ये दोनों प्रमोट करते हैं और सेट करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को। लार्ज मिनरल डिपॉजिट, पर्टिकुलरली कोल एंड आयरन, ये क्या है, गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स है, के रेलवेज एंड कैनाल्स है इस रीजन्स में, जो क्या है, मोस्ट इंडस्ट्रियल रिच क्षेत्र है पूरे वर्ल्ड में। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट ग्रासलैंड इज द वेल्ड्स, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड द वेल्ड्स, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है साउथ अफ्रीका में उसे वेल्ड्स कहा गया है। वेल्ड्स आर रोलिंग प्लेट्यूज, वेल्ड्स क्या है, रोलिंग प्लेट्यूज है, जहाँ पे क्या है, वेयरिंग मतलब अलग अलग की हाइट है, रेंजिंग फ्रॉम 600 मीटर से 1100 मीटर में। इट इज बाउंड बाय द ट्रैकेसबर्ग माउंटेन ऑन द ईस्ट, और ये बाउंड है किससे, ट्रैकेसबर्ग माउंटेन ऑन द ईस्ट, और ट्रैकेसबर्ग माउंटेन कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। टू इट्स वेस्ट लाइज, और वेस्ट में स्थित है कल्हारी डेजर्ट। ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हाईलैंड्स है जो लोकेटेड है, जो अटेंड करता है हाइट कितना, मोर देन 1600 मीटर। इन सम प्लेस, कुछ प्लेसेस में, कंट्रीज दैट आर कवर्ड बाय द वेल्ड्स, ठीक है, कुछ कंट्रीज है जो कवर्ड करती है वेल्ड्स के द्वारा। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ऑरेंज एंड लिम्पो, जो ड्रेन है मतलब सूखी हुई है इस क्षेत्र में। ओके, एंड द नेक्स्ट इज क्लाइमेट, द वेल्ड्स हैव माइल्ड क्लाइमेट, जो वाइल्ड वेल्ड है यहाँ का सुहाना मौसम होता है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशंस, किस वजह से, इंडियन ओशंस के प्रभाव के वजह से। विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई, ठीक है, यहाँ की जो विंटर्स होती है काफ़ी कोल्ड होती है, काफ़ी ड्राई होती है। टेम्परेचर वेरी होती है, मतलब उसमें चेंज आता है बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस में, और जुलाई क्या है, सबसे कोल्डेस्ट मंथ है यहाँ का। समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म, समर्स कैसे होती है, शॉर्ट होती है, वार्म होती है। जोहान्सबर्ग रिकॉर्ड अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द समर, जोहान्सबर्ग कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है, जहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है किस टाइम, इन द समर में। द वेल्ड्स रिसीव रेनफॉल मेनली इन द समर मंथ, जो वेल्ड्स है वो रिसीव करता है रेनफॉल मेनली किस टाइम, समर मंथ्स में, फ्रॉम नवंबर टू फेबररी। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द वार्म ओशन करंट्स दैट वॉज द सोर्स ऑफ द वेल्ड्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, समुद्र के किनारे ये जो धोने वाली जो गर्म महासागर धाराएं होती है उसके वजह से। इफ द रेनफॉल इज स्कैंटी, अगर रेनफॉल क्या होगी, कम होगी इन द विंटर मंथ्स में फ्रॉम जून टिल अगस्त में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाता है।
नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फौना. द वेजिटेशन कवर इज स्पार्स. जो वेजिटेशन होती है वो कम घनी होती है. ग्रासेस डोमिनेट करता है लैंडस्केप को. रेड ग्रास ग्रो होती है इन बुश वेल्स में. इन द हाई वेल्स एकिकिया एंड मरोला ये यहाँ पे देखे गए हैं. द एनिमल्स ऑफ द वेल्स, जो एनिमल्स हैं यहाँ पे वेल्स ग्रासलैंड में कौन कौन सी है, लायंस, लेपर्ड्स, चीता एंड कुडू. ओके एंड द नेक्स्ट पीपल. वेल्स आर नोन फॉर कैटल रियरिंग. ठीक है, वेल्स को किस चीज के लिए जाना गया है, कैटल रियरिंग के लिए एंड माइनिंग के लिए. द सॉइल्स आर नॉट वेरी फर्टाइल. यहाँ की सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है इन द वेल्स में. किस वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूस ग्रासेस. किस वजह से, डिसकंटिन्यूस ग्रासेस के वजह से जो एक्सपोज होती है बैरन सरफेस में, मीन्स खाली सरफेस में. हाउएवर वेयर द लैंड इज फर्टाइल क्रॉप्स आर ग्रोन. जिस वजह से क्या है, जो यहाँ का लैंड है वो यहाँ पे क्या है, फर्टाइल क्रॉप्स होती है जो यहाँ पे ग्रो होती है. द मेन क्रॉप्स मेज, व्हीट, बार्ले, ओट्स एंड पोटैटोज. और कैश क्रॉप्स होती है टोबैको, सुगर केन, कॉटन्स. शिप रियरिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. और जो शिप रियरिंग है मतलब शिप को पालना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का. शिप इज ब्रेड मेनली फॉर वूल एंड हैज गिवन राइज टू द वूल इंडस्ट्री इन द वेल्स. शिप क्या है, एक जाति है मेनली किस चीज के लिए, फॉर वूल के लिए. और एंड गिवन राइज टू द वूल इंडस्ट्री. ओके, मेरिनो शिप इज अ पॉपुलर स्पीसीज एंड दियर वूल इज वेरी वॉर्म. ठीक है, जो मेरिनो शिप है वो काफ़ी पॉपुलर जाती है यहाँ की. और वूल क्या है, उसकी जो वूल होती है, ऊन होती है, वो काफ़ी गर्म होती है. डेयरी फार्मिंग इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. डेयरी फार्मिंग क्या है, यहाँ का सबसे दूसरा ऑक्यूपेशन से व्यवसाय है. कैटल्स को यहाँ पे पाला जाता है इन द वॉर्म में और वेटर रीजन्स में. और डेयरी प्रोडक्ट होती है बटर, चीज, सारे प्रोड्यूस होते हैं फॉर किस चीज़ के लिए, डोमेस्टिक सप्लाई के लिए और एक्सपोर्ट के लिए. द वेल्स हैव रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स. वेल्स में क्या है, काफ़ी भंडार होता है मिनरल्स का. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हुई वेयर कोल एंड आयरन आर प्रेजेंट. यहाँ पे कोल एंड आयरन क्या थे, प्रेजेंट थे. गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग क्या है, सबसे मेजर ऑक्यूपेशन है यहाँ के पीपल की, यहाँ के क्षेत्र का. जोहान्सबर्ग को किससे गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है. और किम्बर्ले फेमस है किस चीज़ के लिए, डायमंड माइन्स के लिए. माइनिंग ऑफ डायमंड एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका led to the establishment of trade lies with Britain and gradually South Africa became a British colony. जी, जो माइनिंग, जो डायमंड्स की जो माइनिंग है, जो गोल्ड है साउथ अफ्रीका में, उसको स्थापित किया गया है व्यापार के लिए, जिसका संबंध है किससे, ब्रिटेन से. और धीरे धीरे साउथ अफ्रीका से हुआ, जो क्या है, एक ब्रिटिश कॉलोनी है. दिस मिनरल रिच एरिया हैज वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू.